वेलकम बैक अटैशिकली टैग यूट्यूब चैनल पर। तो आज भी मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसकी मदद से भाई आप अपनी रिलेटेड यूनिवर्सिटी की फ़ीस चेक कर सकेंगे घर बैठे बिठाए कि भाई ये वाली यूनिवर्सिटी कितनी ट्यूशन फ़ीस चार्जेस कर रही है और कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई आज का टॉपिक बहुत सिंपल है कि अक्सर स्टूडेंट होते हैं इन्हें ट्यूशन फ़ीस का स्ट्रक्चर पता नहीं होता कि ये जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने फ़ी का स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है कि इस मज़मून के कितने चार्जेस ले रही हैं और इस मज़मून में कितनी फ़ीस इन्होंने रखी हुई है। तो इस बारे में आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठाए अपने मोबाइल से पीसी से लैपटॉप से किसी भी चीज़ से ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि ये वाली यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही है और इस सब्जेक्ट में कितनी फ़ीस उन्होंने रखी हुई है। जो ट्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी खुद लेती है, दूसरे चार्जेस नहीं जो आप हॉस्टल वगैरह में पे करते हैं, वो बोले नहीं, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस हम बताऊँगा कि वो बोले क्या हो सकता है। तो आपने ऐसे करना, अपना गूगल प्ले दूसरा सॉरी गूगल क्रोम को ओपन करना है, वहाँ पर लिखना है, मैं आपको लिख देना, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिएगा। मैं आपको फिलहाल लिख कर दे रहा हूँ GCUF, जो कि है GCUF। इस तरह आप लिखेंगे ना तो इस तरह के आइकन शो हो जाएंगे, तो इनको आप इंटर करेंगे, जैसे ही करेंगे तो इस तरह का रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। सॉरी आपने लिखना है क्या है, किधर का GCUF फी स्ट्रक्चर्स एट edu.com.pk, ये वाला आपने लिखना है, ये जो शो आपके सामने हो रहा है ना GCUF फी स्ट्रक्चर एट edu.vn.pk, इतना आप लिंक लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का लिंक आएगा। ये वाला आप लिंक देख रहे हैं ना, ये वाला जो मैं शो करवा रहा हूँ, ये वाला edu.vn.edu.pk, हाँ, तो इस पर आपने ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला ऐसे इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को आपने नीचे 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 ऐसे ड्रैग करते जाना है। हम ड्रैग करते जाएंगे इस तरह। तो ये वाला हमारा टारगेट था जिस जगह पर हमने पहुंचना था। वो कह रहा है कि बैचलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बाय GCU फैसलाबाद फीस स्ट्रक्चर 2020 एंड लास्ट मेरिट क्या है। अगर आप इस पर करेंगे तो ये मेरिट डेट दिखाएगा कि ये वाले एडमिशन कब तक हो रहे हैं, इनकी डेडलाइन क्या है, ये वाली जो लिखी हुई है, और ये वाली फ़ीस स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाएगा। आपने ऐसे करना है कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना BS अप्लाइड केमिस्ट्री, इस पर आपने क्लिक करना, ना कि आपने एडमिशन पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे BS अप्लाइड केमिस्ट्री पर, तो ये आपको अपने रिलेटेड पेज पर ले जाएगा। ऐसे मैंने किया तो ये देखें ब्राउजिंग हो रहा है, ये मुझे एक नया पेज पर ले गया। ये वाला देख लें, इसने मुझे कहा, इसने शो करवा दिया है कि ये वाला प्रोग्राम जो है कौन कौन सी फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी हैं जो करवा रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि हमने पोर्ट की थी GCUF फैसलाबाद, फी सर डिग्री ड्यूरेशन इसका BS का होगा 4 ईयर और इसमें फ़ीस वो लेंगे 49,000 यानी कि 49,000 रुपये 4 साल का दुरानिया होगा जो हमने उनको रिटर्न करनी है फ़ीस। और डेडलाइन जो है 23/9/2019 थी। और इसी तरह दूसरे भी ये यूनिवर्सिटी की दिखा रहा है कि BS जो करवाएंगे 4 ईयर का होगा और ये 46,000 ले रहे हैं 20/2020 तक इन्होंने ये डेडलाइन दी हुई है। तो इस तरह भी आप घर बैठे बैठाए खुद देख सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस बारे में आइडिया नहीं रखते तो इस तरह वाली जो फीस है ना उन्होंने दिखाई है कि 49,000। हम ये पता कैसे करें कि हमें एक सेमेस्टर में कितनी फ़ीस देनी होगी और एक साल में हम कितनी पे करेंगे। तो इसके लिए आप ऐसे करें कि ये जो टोटल फ़ीस है, तो भाई आपने अपने मोबाइल में PC में या लैपटॉप में कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। या ऐसे ओपन करेंगे तो इसको फ़ीस को ऐसे पुट करें, ये कितनी है 49,000 है ना, 49,000 होगी, इसको डिवाइड कर देना है।
अच्छा डिवाइड कैसे करना है? अगर तो हैं आपके 4 साल, तो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक एक साल दूसरे 4 साल हैं, तो चूंकि साल में 2 सेमेस्टर हर यूनिवर्सिटी करा रही होती है, तो ऐसे देखा जाए तो इसमें बन रहे हैं 8 सेमेस्टर। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा जो एडमिशन है उसमें कितने सेमेस्टर हैं, जब आप एडमिशन करवाएंगे तो उस वक्त साथ में लिखा होता है कि भाई इतने ड्यूरेशन, इतनी मुद्दत है और साथ में आपने इतने सेमेस्टर करने हैं, साथ में वो क्लियर लिख देते हैं। वहाँ से आप पता कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का सेम प्रोसीजर है, हर यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी क्या, साथ में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही हैं। तो अच्छा, आपने ऐसे किया पोर्ट कर दी ये वाली फ़ीस, तो इस पर हम डिवाइड करेंगे कितने बार, 8 पर कर देंगे, क्योंकि 4 साल है ना, तो 1 साल में 2 तो 4 साल में 8 होंगे, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर दें। तो चूंकि आपने ऐसे किया तो ये हमें कह रहा है कि 6,125 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस, 2 की हम निकाल लेते हैं, 2 के लिए आपने ऐसे करना है कि ज़र्ब करनी है 2 पर, ऐसे 2 हो गए, चूँकि ये हमने निकाल ली है 1 साल की, अब हम चाहते हैं कि हम 4 साल की निकालें। अच्छा, तो ये 1 साल की होगी, अब हम चाहते हैं कि हम 4 साल की फ़ीस निकालें जितनी थी, क्या निकलती है कि नहीं निकलती, निकलेगी ज़रूर। देखें ये वैसे किया ज़र्ब किया 49,000, तो इस तरह भी आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, अपने प्रोग्राम दे सकते हैं कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम करवा रही हैं। परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है। हम जल्द ही अपने इंटर, मैट्रिक, बीए और मास्टर लेवल क्लासेस के जल्द ही लेक्चर्स अपलोड करेंगे, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। कनेक्ट रहने के लिए, क्योंकि ये नेट की दुनिया बहुत बड़ी होती है, यहाँ पर एक दूसरे को तलाश करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक परमानेंट एड्रेस तो होना चाहिए ना। तो परमानेंट एड्रेस के लिए सबसे बेस्ट और सबसे ईजी वे मैं आपको बताऊँगा कि नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करें तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही हम लेक्चर को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फ़ीचर ये होगी कि आप यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री एडमिशन भी चेक कर सकेंगे, अप्लाइड कैरियर स्कोप क्या होगा, अगर ये वाली डिग्री आप लेते हैं तो इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर इसका मार्केट में क्या स्कोप चल रहा है, या फिर यहाँ पर मेरिट कैलकुलेटर भी आप इसको कर सकते हैं कि हमारा मेरिट बनता है या नहीं बनता, क्योंकि एंट्री टेस्ट देना पड़ता है ना आप यूनिवर्सिटी में, अगर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो। यहाँ पर अगर आप एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो ये वाला भी आपको शो करवा देता है। तो भैया इस तरह आप करें तो आप बहुत ईजी अपने रिलेटेड टॉपिक पर पहुँच जाएँगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ईजी है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। मैंने आप